हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरे जितने भी भाई हैं उनको बहुत ही पसंद है मेरे हाथ का, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ भी आज शेयर करूँगी। ये रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी है मेरे सभी भाइयों के लिए, बहुत ही पसंद करते हैं मेरे हाथ का ये चावल। और ये जो चावल मैं बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आलू को धो के कट कर लिया है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, पनीर, शिमला मिर्च, गाजर लिया है, सोयाबीन लिया है, इसमें मैं फ्रोजन मटर भी डालूंगी। तो ये जो चावल मैं बनाती हूँ ना, इसको मैं खीरे का रायता के साथ अपने भाइयों को खाने के लिए देती हूँ। बहुत ही मेरे हाथ का ये चावल उनको बहुत ही पसंद है, बहुत प्यार से खाते हैं गाइस। तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन स्पेशल अपने भाइयों का मनपसंद बनाती हूँ और उन्हें खिलाऊंगी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं जो भी चीजें यूज करूंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें सरसों तेल डालूंगी, ये जो चावल मैं बना रही हूँ मेरे घर में सबको पसंद है गाइस, तो आप सब्जी में अपने पसंद की ले सकते हो। मैंने ये फ्रोजन मटर लिया है, आलू, पनीर, शिमला मिर्च, गाजर लिया है। तो पनीर को सबसे पहले मैं फ्राई करूंगी। सरसों तेल में ये जो चावल मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। और साथ में ये आलू भी फ्राई करूँगी। तो पनीर हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। पनीर को इसी सेफ प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो पनीर फ्राई हो चुका है, आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म रहेगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो आलू को भी इसी तरीके से ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। और पनीर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके का फ्राई किया, बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। चावल बनाने के लिए मैंने पतले पतले स्लाइस में लंबे लंबे प्याज को भी कट कर लिया है। और ये पेस्ट तैयार किया है मैंने, इसका वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का ये पेस्ट है, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं डाला है, बस अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। बस आलू भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं, आलू को भी निकाल लेते हैं। आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया है, ज्यादा नहीं किया है क्योंकि अभी ये प्रेशर कुकर में जाएगा तो बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। तो इसी तेल में तड़के में मैं थोड़ा सा जीरा यूज करूंगी, आधा छोटा चम्मच जीरा यूज किया है। जीरा को अच्छे से भुनने देंगे। जीरा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देते हैं।
इसको भी ब्राउन करेंगे एकदम। तो प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अभी से मैं बाकी सब्जियां डालती हूँ। तो सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च, मटर, क्योंकि ये तीनों को मैंने फ्राई नहीं किया था, मटर को तो फ्राई करने की जरूरत नहीं है। प्याज के साथ सब्जी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और साथ में ये सोया चंक्स को गर्म पानी में मैंने भिगो के रखा था, तो इससे सारा पानी निचोड़ लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। और इसके साथ आप खीरे का रायता बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। तो सब्जियों को हाई फ्लेम पे ही भूनना है, गैस को सिम पे मत कीजिएगा, इसे हाई फ्लेम पे ही, क्योंकि कुकर में ये और बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, तो इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। सब्जियों को एक मिनट तक अच्छे से खुले ही बिना ढक्कन लगाए फ्राई कर लेते हैं। सब्जियां बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं, तो इसमें मैं कुछ मसाले, तो सबसे पहले हल्दी पाउडर, अगर तीखा पसंद करते हो तो मिर्च पाउडर कम ज्यादा डालिएगा, तो मैं तो तीखा ही बनाऊंगी। एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा और लिया है मैंने धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच बिल्कुल भर के, और ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है ना मैंने, इसे भी इसमें डाल देते हैं। एक बड़ा चम्मच पटकर पूरा भर के डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा चावल का टेस्ट आता है। मसाले को कम से कम चलिए इसे एक मिनट तक अच्छे से मसाला और सब्जी अच्छे से भून जाए, इसे भूनने देते हैं अच्छे से। मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तो इसमें मैं घर का दही है, इसे फेंट लिया है मैंने, इसे डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइस। दो बड़े चम्मच लिया था मैंने दही को, अब इसमें मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच भर के, और आधा छोटा चम्मच और लिया है, एक आधा मैंने पूरे भर के डाला है बिरयानी मसाला। अब मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ आलू है ना, इसे डाल रही हूँ। पनीर को मत डालिएगा, पनीर को डालने से पनीर सारा टूट जाएगा आपका। आलू डाल के और साथ में ये जो चावल है इसे भी डाल रही हूँ। तो सारा चावल मैंने डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पुलाव बनाइए या चावल, कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट पहले आप चावल को धो के रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से चावल आपकी बनेगी। तो इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो चावल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने
डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल बहुत ही अच्छे से भून चुका है और चावल में ये मैंने जो यूज़ किया है वो बासमती राइस है, बहुत ही अच्छा इससे बनता है। बासमती राइस यूज की हूँ, इंडिया गेट का बासमती राइस है, इसी से मैं हमेशा चावल बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल बनता है गाइस। तो ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तो इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने कुकर ले लिया है तो इसमें डाल देती हूँ, फिर मैं दिखा। चावल को मैंने कुकर में डाल दिया है और इसमें ये जो फ्राई किया हुआ पनीर है इसे भी इसमें डाल देते हैं। तो चावल जितना मैंने यूज किया है, दो कप भरकर मैंने चावल लिया था, तो इसमें मैं 3 कप के लगभग, मतलब पानी उतना ही अपने अंदाज से मैं डालती हूँ जितना मुझे जरूरत लगता है। तो मैं अपने अंदाज से ही पानी डालती हूँ। तो पानी को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है गाइस, हमेशा मैं पुलाव में गर्म ही पानी यूज करती हूँ। तो मैंने अपने अंदाज से पानी डाल दिया है इसमें, अब इसे थोड़ा सा उबलने देते हैं। बस ये चावल एक सीटी में तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है धनिया पत्ता, तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ और इसके ढक्कन। बस जैसे इसकी पहली विशिल आएगी तो गैस को ऑफ कर देना और इसका एयर नहीं निकालना है। बस एक ही सीटी में ये हमारा चावल बनकर तैयार हो जाएगा गैस, बहुत ही टेस्टी लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। तो चलिए इसकी पहली विशिल का वेट करते हैं। तो एयर बनना शुरू हो गया इसका। तो कुकर की पहली सीटी आ चुकी थी तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, तो एयर निकलने तक का वेट करते हैं इसका। तो कुकर की एयर निकल चुकी है तो इसे खोलकर मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि चावल बनके तैयार हो चुका है बहुत ही अच्छे से। तो इसे मैं बिल्कुल ही खिले खिले चावल बना है, तो इसे मैं निकालकर प्लेट। तो बहुत ही अच्छे से चावल बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि कितना खिला खिला चावल बना है। बिल्कुल इसी ट्रिक से आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा चावल आपका। तो चलिए इसे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने अपने भाइयों की पसंद की चावल, जो मेरे भाई को बहुत ही पसंद है, तो राखी स्पेशल मैंने उसके लिए बनाया है। और चावल के साथ मैंने प्याज रखा है, नींबू रखा है और ये वेजिटेबल रायता बनाया है। तो ये रायता मैंने प्याज, खीरा, गाजर से बनाया है, जो बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ। और जब भी आप चावल बनाएं सब्जियों वाला, तो इसमें आप इंडिया गेट राइस से ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है खिला खिला चावल। तो आप देख सकते हो कहीं से भी मेरा चावल गीला नहीं, एकदम खिला खिला चावल है सारा। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।